जो कि भाई आप ये देख सकते हो टाटा हरियर का भाई एडवेंचर प्लेस वाला वेरियंट आई थिंक ऐसा कुछ इसका नाम है बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भाई पूरा डिटेल से बता दूंगा आपको कि कौन सा कौन सा क्या वेरियंट है बाकी भाई आप दोनों गाड़ी की फ्रंट लुक देख सकते हो क्या जबरदस्त लगती है भाई दोनों गाड़ी एकदम एनिमल जिसको आप बोल सकते हो ना टाटा के एनिमल दोनों भाई बड़े बड़े छोटे जिसको लगते हैं जिसको आप बोल सकते हो भाई लिटरली क्या इनकी मैसिव लुक है भाई ब्लैक कलर में तो भाई इस गाड़ी का क्या जवाब है और हरियर तो भाई नो डाउट यार एकदम भाई क्या ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए मैं क्या बोलूँ उस गाड़ी के लिए लिटरली भाई एक नंबर लुक्स लगती है दोनों गाड़ियों की तो सबसे पहले भाई मेनली इन इस वीडियो में भाई हम दोनों गाड़ियों को कंपैरिजन करने वाले हैं से इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज की दोनों गाड़ियों में क्या क्या आपको डिफ्रेंसेज मिल जाते हैं तो सबसे पहले भाई आप लुक्स वाइज देख सकते हो पीछे से पीछे से अगर मैं लुक्स वाइज बात करूँ तो टाटा हैरियर की भाई आपको ऐसी कुछ लुक मिल जाती है और टाटा सफारी की ऐसी कुछ तो अगर मैं टाटा हैरियर की लुक की बात करूँ तो टाटा हैरियर भाई मेरे को लिटरली बताऊँ थोड़ी सी ऊपर से गोल मटोल जैसी फील आती है पीछे से थोड़ी ऐसी मेरे को फील आ रही है बाकी टाटा सफारी की अगर मैं बात करूँ तो टाटा सफारी जैसे पिछला वाला इसका एडिशन था जो जो पहले सफारी आया करती थी जो जो इससे पहले उससे पिछली वाली तो उसी तरह से भाई सेम इसकी ऊंची बॉडी बना रखी है जो कि लिटरली इससे पता लगता है कि अपनी ये सफारी और यहाँ पर थोड़ी गोल बटोल सी तो ओवरऑल मैं लुक की बात करूँ तो अगर आपको ऐसी बल्कि डिज़ाइन चाहिए तो आप हेरी की तरफ जोर से स्विच कर सकते हो बाकी अगर आपको देसी डिज़ाइन चाहिए तो आप टाटा की सफारी की तरफ जोर से स्विच कर सकते हो बाकी भाई दोनों गाड़ियों में पीछे आपको कनेक्टेड टेल टेलैम्स मिल जाते हैं टाटा के और न्यू लोगो वोकल एंड लोकल की बैचिंग दोनों गाड़ियों में वाइपर वॉशर डिफॉगर हाई मोटर स्टॉपलम्स दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगा इसमें आपको शार्फिन एंटीना आज शार्फिन एंटीना बाकी यहाँ पर आपको ऊपर रूफ रूफ्रिज वगैरह दोनों गाड़ियों में सेम आपको मिल जाती हैं तो ये तो हो गई भाई एक्सटीलियर की बात पीछे से अब सबसे पहले भाई गाड़ी का ऐसे पूरा इसका वो, इसका बुन बूट का बता देता हूँ बूट में क्या क्या आपको सीन मिलेगा तो ये रहा भाई अपना सफारी हरियर का बूट स्पेस जो कि आप ये देख सकते हो तो इसमें आपको भाई बड़े तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक टेयरगेट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे एंड यहाँ पर भाई आपको पूरा इसमें आपको ऐसा कुछ सिस्टम मिल जाता है जिसका स्टेफनी भाई नीचे मिलेगा इसमें आपको दो फिट की भाई आई थिंक दो फिट तो भाई इसकी पाँच लीटर आपको मिलेगी मिलेगी तो ये तो भाई हो गया अपना हैरियर का पूरा बूट स्पेस अब सबसे पहले भाई अपना सफारी का देख लेते हैं सफारी में क्या सीन है तो सफारी में तो भाई मेरे ख्याल से दूसरा वाला मिलता है जो उसका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है तो लिटरली भाई ये देख सकते हो भाई इसका जो अपना लुक पर जाता है ना ये तो लिटरली काफ़ी बढ़िया लगता है बाकी यहाँ पर आपको ऑन ऑफ़ करने का पूरा बटन भी दे रखा है और अगर मैं इसमें सीट को आप फोल्ड कर लोगे तब तो भाई गाड़ी में स्पेस ही स्पेस बन जाता है बट इसकी आप सीट को ऐसे अनफोल्ड कर लोगे तब तो भाई स्पेस की दिक्कत रहने वाली है आपको तब तो चलो स्पेस कम ही होगा पर चलो कोई नहीं सेवन सीटर गाड़ी है हिसाब से आप ये देख सकते हो इसमें तो भाई आपको सेवन सीटर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें आपको टोटल फाइव सीटर आपको गाड़ी मिलेगी बट ये आपको सेवन सीटर गाड़ी मिल जाती है इसमें अगर मैं ऐसे स्टेफनी की बात करूँ तो इसकी स्टेफनी बाई गाड़ी की हमेशा आपको नीचे मिलेगी तो जब इस गाड़ी दोनों गाड़ियों का बूट ओपन होता है तो ऐसी कुछ भाई दोनों गाड़ियों में लुक आती है तो नॉर्मली आप लुक देख सकते हो क्या मैसी लुक लगती है भाई लिटरली यार एकदम खतरनाक जिसको आप बोल सकते हो तो ये तो होगी भाई बूट स्पेस की बात इसको अगर आप बंद कर देते हैं यहाँ से इसका बटन आप ये अगर कर सकते आपको इलेक्ट्रॉनिक बंद हो जाएगा भाई कि इसको आप भाई आपको मैनअली बंद करना पड़ेगा चलो ये तो हो गई बंद कर दिया मैंने बाकी अब दोनों गाड़ियों के भाई फ्रंट से एक बार लुक बता देता हूँ आपको पहले साइड से आप लुक देख लो साइड से कि इसकी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है बट बाकी मेरे को तो भाई पर्सनली साइड लुक अपनी हैरियर की ज़्यादा बढ़िया लग रही है पता नहीं भाई मेरा हैरियर की तरफ ज़्यादा झुकाव है बाकी सभी बंदों की भाई अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और ये देख सकते हो भाई फ्रंट से लुक दोनों गाड़ियों की तो अब तो भाई काफ़ी डिफरेंस लगता है हरी और सफारी में क्योंकि पहले तो भाई दोनों गाड़ी मेरे को सेम सेम लगती थी आगे से पहले पता लगता था कौन सफारी है कौन हेरियर है बाकी लाइट्स की डिजाइन की बात करें तो लाइट्स में भाई आप यहाँ पर आपको सफारी लिखा हुआ मिल जाता है छोटे छोटे अक्षरों में जो कि आप ये देख सकते हो चलो कोई नहीं बाकी यहाँ पर आपको हेरीयर की लाइट्स की बात हूँ तो दोनों गाड़ियों में भाई आपको एल लाइट्स मिल जाती है बट इसमें आपको कॉर्निंग फॉग लैम्प भी जोर से मिल जाएंगे बट इसमें आपको ये बड़ा ऑप्शन नहीं मिलेगा शायद से बाकी ऐसी कुछ में आपको फ्रंट ग्रिल भी मिल जाती है तो फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में सेम सेम ये बाकी माइनर इसमें आपको डिफ्रेंस मिलेगा इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्लास्टिक जैसी है बट इसमें यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ सी यह, थोड़े से ये थोड़े थोड़े जैसे दे देखें कि काफ़ी सारे हैं इसमें थोड़े से ऐसे गैप गैप जैसे बस इसमें आपको गैप थोड़ा सा कम मिलेगा बाकी इसमें आपको फ्रंट में अडास वैर भी जोर से मिल जाती है इसमें आपको दोनों गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लेवल टू का अडास वगैरह दोनों गाड़ियों में सेम मिल जाता है बाकी यहाँ पर आपको कैमरा दोनों गाड़ियों में सेम मिल जाएगा जो भी आप ये देख सकते हो कैमरा लोगों के नीचे बाकी दोनों गाड़ियों में भाई पूरा एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स टेलैम्प टेल लैंप्स फ्रंट्स में डीआरएल भाई कनेक्टिंग पूरे मिल जाते हैं तो सबसे पहले भाई हेरियर के ऐसे इंटीरियर में चल के आपको बताता हूँ सबसे पहले यार इंटीरियर में क्या बता रहा हूँ तो सबसे पहले भाई मैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो अगर मैं हेरियर सफारी की ऐसे प्राइस रेंज की बात करूँ तो सफारी भाई अपना अपना डार्क एडिशन आपके सामने इसकी अगर भाई मैं एक्शो प्राइस की बात करूँ तो इसकी एक्शो भाई छब्बीस से सताई लाख की भाई एक्शो प्राइस आपको मिल जाती है अपनी टाटा की सफारी की इसका डार्क एडिशन है इसकी थोड़ा भी ये नोटिस करने वाली चीज़ है बाकी अपनी सफारी का भाई एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट है जो कि मेरे को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है इसमें भी भाई आपको डार्क एडिशन मिल जाता है जिसमें आपको थोड़े से साठ से अस्सी हज़ार आई थिंक समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे बाकी इसकी एक्शोरूम भाई आपको इक्कीस ला, लाख सत्तर समथिंग आपको मिल जाती है तो इसमें भी भाई आपको बड़ी तरीके से रिक्वेस्ट आंसर मिल जाता है कि भाई गाड़ी के अंदर जल के आपको बता देता हूँ बाकी इंटीरियर आप दे सकते हो मैंने पिछली वीडियो में भी भाई कवर कर रखा है इसका इंटीरियर क्या कुछ सीन है बाकी तो भाई गाड़ी के ऐसे इंटीरियर में चल के आपको बता देता हूँ मेनली क्या सीन है बाकी इसमें आपको भाई इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं मिलेंगी आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेंगी पर चलो कोई नहीं बाकी इसमें की की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों की भाई की आपको सेम मिलती की चलो मैं लास्ट में बताऊँगा दोनों गाड़ियों की आपको इसको रहने देते हैं साइड में इसमें आपको नॉर्मल ऐसे रिमोट वाली की मिल जाती है एंड इसको कर लेता हूँ भाई मैं यहाँ से ऑन तो देखना भाई इसका पूरा ऐसा कुछ इंटीरियर आपको मिल जाता है जिसमें आपको सेम इसमें ये फंक्शन मिलेंगे उसमें थोड़े से आपको एक्स्ट्रा फंक्शंस मिल जाते हैं ये वाला डिफरेंस है, है। बाकी तो दोनों घड़े में से सेम ही मिलेगा इसका इंटीरियर आपसे तो दोनों घड़े में मिले आप पता लगा बाकी इसमें आपको थोड़ी सी जो वुडन भी फिनिश दी गई है वो लिटरली काफ़ी बड़ी लगती है यहाँ पर आपको पूरा ऑटोमेटिक है और वो भी भाई अपनी ऑटोमेटिक आपके सामने खड़ी हुई है बट वहाँ पर आपको ये डार्क एडिशन की बैचिंग भी जोर से मिल जाएगी जो कि आप ये देख सकते हो डार्क एडिशन की बैचिंग सफारी पर पर चलो कोई नहीं अपनी हैरियर भाई नॉर्मल वाली है चलो कोई नहीं ये भी ठीक है बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक आप आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा ऐसी कुछ भाई इसमें आपको टच स्क्रीन भी जोर से मिल जाएगी जो कि लिटरली काफ़ी बढ़िया है ग्लब बॉक्स की बात करूँ तो ग्लब बॉक्स भाई इसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है जो कि कोल्ड है भाई लाइट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगी एंड यहाँ पर सीट्स के भाई जो फैब्रिक ये देख रहे हो स्टिचिंग वगैरह तो सेम इसी कलर में दी गई है जो कि काफ़ी बड़ी चीज है बाकी ऑटोमेटिक वाली है यहाँ पर आप ये पूरा सिस्टम देख सकते हो क्या कुछ आपको मिल जाता है बाकी इसमें आपको चार स्पीकर और चार टूटर भी आपको दो ड्यूट्रीज में आपको सॉरी मिल जाएंगे चलो कोई नहीं ये तो हो गई भाई अपनी हरीर की बात बट इसमें आपको भाई यहाँ पर ये पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह भी जोर से मिल जाता है तो सेम उसमें भी भाई यही मिलेगा आपको बाकी इसमें आपको ऑटो फोल्डे पर मिल भी मिल जाते हैं तो सफारी में भाई एक बार चल पड़ता हूँ सफारी में आपको बता देता हूँ सफारी में क्या कुछ सीन है तो ऐसा कुछ भाई इसमें आपको सफारी का इंटीरियर भी मिल जाता है तो इसमें भाई सीट में वेलकम फंक्शन भी आपको मिल जाएगा तो जैसे ही सीट पर बैठा तो सीट भाई अपने आप आगे मेरी सीट का हाइट एडजस्ट हो रही है चलो कोई नहीं बाकी की की बात करूँ तो इसमें भाई नॉर्मल ये की मिलेगी जो कि लास्ट में आपको चल के बताता हूँ बाकी इसमें मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ इसमें तो सेम ही है ज़्यादा मेरे को फंक्शन लगता नहीं बट इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा सा दे रखा है ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है बाकी भाई ये आ, चलो कोई नहीं ऑफ ही है इसका ए एंड यहाँ पर पूरा ऐसा कुछ इसमें आपको मेड मिल जाता है बाकी इसमें आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलेगा जो कि नॉर्मली आप देखो डार्क तो डार्क तो इसमें आपको हर एक चीज ब्लैक ही मिलेगी पूरा आपको ब्लैक इंटीरियर भाई कहीं पर भी वाइट यूज़ नहीं है बट इसमें आपको वाइट लाइट जरूर मिल जाएगी चलो ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ इसमें आपको पैनरामिक सनरूफ और इसमें भी भाई आपको पेनरामिक सनरूफ रूफ जोर से मिल जाती है ये तो हो गया भाई ये वाली चीज़ें यहाँ पर भी भाई आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस डायल के ऊपर भाई आपको छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाएगी बट उसमें ये चीज़ मिसिंग है लॉक दोनों गाड़ी में सेम मिलेगा एंड यहाँ पर भी भाई ऐसा कुछ मैं आपको ग्लोब बॉक्स मिल जाता है जो कि अपना कूल्ड है और ये भी भाई ऐसा कूल्ड ग्लोब बॉक्स आपको मिल जाता है तो दोनों गाड़ी में भाई ऐसा कुछ डिफरेंस आपको मिल जाएगा तो पर्सनली मैं आपको बताऊं तो अगर आपको डार्क एडिशन ऐसे काले रंग के आप फैन हो तो आप टाटा की सफारी का डार्क एडिशन जोर से देख सकते हो तो बाकी डार्क एडिशन मेरे को उतना कुछ खास लगता नहीं है बट उसका कलर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे चारी चारी टाइप जो उसका वुड में जो फिनिश है वो लिटरली काफ़ी बढ़िया है इसमें भाई आपको जे का पूरा नाइन स्पीकर का साउंड सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको चार स्पीकर मिलेंगे चार टूटर मिलेंगे और एक आपको एम्पलीफायर भी जोर से इसमें मिल जाता है चलो ये तो हो गए भाई इसके साउंड सिस्टम की बात इसमें आपको जे का साउंड सिस्टम है और उसमें भी भाई आपको जे का सारा साउंड सिस्टम मिल जाता है बट पहले इन गाड़ियों में हरमन का आपको साउंड सिस्टम मिलता था पर चलो कोई नहीं ये तो हो गई भाई गाड़ी के इंटीरियर की बात कि मैंने आपको बता दी बाकी इसमें भाई आपको सीट कोल्ड मिल जाती है वेंटिलेटेड आपको सीट मिल जाएंगी और क्या ही चाहिए भाई चलो ये तो होगी भाई अंडर इंटीरियर की बात और दोनों गाड़ी में भाई पीछे का स्पेस आपको भर भर के मिलता है एंड यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो ऐसी कुछ नॉर्मल सी लेदर में जो फिनिश दी गई है वो काफ़ी बढ़िया है बट उसमें लेदर की जो फिनिश है वो बहुत ही माइनर से जगहों पर इसमें आपको जगह जगह पर लेदर की जो फिनिश दे रही है यहाँ पर भी स्मूथ प्लास्टिक एम्बेड लाइटिंग और यहाँ पर भी लेदर है बट उसमें यहाँ पर वुडन में जो फिनिश दी गई है वो काफ़ी बढ़िया लगती है इसमें भी भाई यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ भाई अपनी सफारी का सबसे पहले देख लेते हैं सफारी का भाई आपको कितना मिलेगा सफारी का दो सौ पैंतालीस पचपन आर उन्नीस भाई फॉर्चूनर में भाई आपको लेजेंडर में आप देखोगे तो उसमें आपको उन्नीस इंच का टायर मिलता है बट आपको टाटा की सफारी में भाई उन्नीस इंच इंची इसका मिलता है बट लजेंडर में भाई आपको अठारह इंच का मिलता है मैं पहले उन्नीस का बोल रहा था बट इसमें आपको अट्ठारह इंच का टायर मिलता है जिसकी प्रोफाइल है भाई दो सौ पैंतीस साठ आर अठारह जो कि ऐसी कुछ है बाकी आपको दोनों गाड़ियों में साइड में हरियर और सफारी देखा मिलेगा बट यहाँ पर आपको ऐसे डार्क एडिशन की बैचिंग क्योंकि अपना वाइट कलर है बट इसमें आपको डार्क एडिशन की बैजिंग जोर से मिल जाती है चलो ये तो काफ़ी बड़ी है चीज़ है और ये भाई दोनों गाड़ियों की फ्रंट लुक जो कि आप ये देख सकते हो तो ओवरऑल लुक की बात करूँ तो भाई मेरे को फ्रंट से भाई अपनी हेरियर बड़ी लगती है और हेरियर की ऐसे एक्सटीरियर वाइज हैरियर मेरे को बड़ी लगती है बट इंटीरियर वाइज भी मेरे को सफारी बड़ी लगी जो कि इसका दूसरा वाला है जो कि इसका विदाउट अ डार्क कंडीशन वाला वेरिएंट है और ये तो हो गए भाई अंदर बाहर की बात अब सबसे पहले भाई गाड़ियों में पेनरामिक आपको सोन भूल जाती है दोनों गाड़ियों में अब इसमें भाई दोनों गाड़ियाँ आपकी डीजल है तो एक बार ही भाई मैं दोनों गाड़ियों को आपको हुड ओपन करके बता देता हूँ जिनमें आपको क्या क्या सीने के लिए बाकी दोनों गाड़ियों में भाई आपको थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा भी जोर से मिल जाता है ऐसा कुछ है बट इसमें आपको ये साइड कैम सेंसर नहीं मिलेगा बट ये सब कुछ सीन है जो कि आप ये देख सकते हो तो दोनों गाड़ियों की लुक की बात करूँ तो ओवरऑल भाई काफ़ी मैसिव लुक टाटा के द्वारा दी गई है भाई वीडियो मैंने छोटी सी बनाने की ट्राई की क्योंकि आपका भी टाइम ऐसे क्यों वेस्ट करना ज़्यादा बाकी आप ये ऐसी लुक देख सकते हो एक बारे में इसका दोनों बने का बोनट आपको बता देता हूँ क्या सीन है ओ भाई साहब भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन करने में भाई इतना भारी भारी बोनट है ना दोनों गाड़ियों का भाई भाई मेरे हाथ देख सकते हो क्या कंडीशन हो गई भाई मेरे हाथों की पर चलो कोई नहीं आपके लिए इतना तो भाई सहन कर ही सकते हैं चलो कोई नहीं अपनी ऑडियंस है बाकी तो भाई अपने ये दोनों भाई आपको डीजल इंजन ही मिलेंगे दोनों गाड़ियों में क्योंकि पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है बट आपको दोनों गाड़ियाँ ये अपनी ऑटोमेटिक ही मिलेंगी इसमें भी भाई आपको कराया का एक सौ वाला इंजन मिलेगा बट उसमें भी भाई आपको ये क्राटैक वाला एक सौ का इंजन जोर से मिल जाता है और भाई मैं अगर भाई पर इंजन में बात करूं तो इंजन भाई दोनों गाड़ी का आपको सेम मिल जाता है जो कि 170 सौ और तीन साढ़े तीन सौ लीटर मीटर का बाइट और का आपको निकाल के देता है तो दोनों गाड़ी में भाई इंजन की बात करूं तो दोनों गाड़ी में डीजल इंजन आपको सेम सेम ही मिलेगा बाकी आप बताना भाई आपका इंजन के बारे में क्या ओपिनियन है तो भाई दोनों गाड़ी में लगभग सेम इंजन चूँकि सेम पावर और सेम माइलेज वगैरह निकाल के देता है जो जो कि भाई आपके ऊपर है मेनली तो आप किस हिसाब से गाड़ी चलाते हो तो हिसाब से आप देख सकते हो दोनों गाड़ी की इंजन वाइज क्या क्या कि परफॉर्मेंस रहने तो ये रही भाई अपनी टाटा की सफारी और टाटा की हैरियर तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो आप टाटा की सफारी की तरफ टाटा की हेरी की तरफ जोर से स्विच कर सकते हो तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो टाटा की हेरियर की तरफ ही आप जोर से स्विच कर सकते हो इसमें आपको फॉर्चूनर के कंपेटिवली ज़्यादा बड़े टायर्स मिल जाते हैं ज़्यादा फीचर भी आपको इसमें मिल जाते हैं और हरियर में भाई आपको थोड़े से छोटे टायर मिलेंगे बट आपको छोटी फैमिली आपकी तो हिसाब से इस गाड़ी की तरफ आप जोर से कंसिडर कर सकते हो और ये थी भाई वीडियो उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जोर से कर सकते हो अगर आपकी कुछ ओपिनियन इस वीडियो के बारे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जोर से डी वगैरह कर दो तो उससे मैं अपने ऐसे आपको ओपिनियन जोर से जानता रहूँगा मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ भाई ऐसी कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं कि मैं कमेंट ज़्यादा मिस करता हूँ तो ये थी भाई वीडियो वीडियो देखने धन्यवाद थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय गुड नाइट टाटा बाय बाय